की पत्नी जी, मुझे चिड़िया ने भेजा है। चिड़िया ने बताया है कि आपने मीठा हलवा बनाया है हम पक्षियों के लिए। हाँ हाँ कवि, सारे पक्षी खा गए हैं, बस एक तुम दोनों ही बचे हो। वो सामने कमरे में हंडिया रखी है मैंने, तुम दोनों जाकर कमरे में ही खा लो। कौवा और कवि दोनों कमरे में जाते हैं। गौरी, यहाँ तो हंडिया नहीं है। कालू जी, पीछे देखो, वहाँ देखो। कौवे इधर उधर हलवे वाली हंडिया ढूंढ रहे थे, जब किसान की पत्नी बाहर से दरवाजा बंद कर देती है और एक डंडा लेकर कमरे में जाती है।